आफ्टरनून जी सर। सर आ अच्छा रही है, गुड आफ्टरनून। माइक मैंने निकाल दिया, मैं बोलूं। इसकी लाइट चली गई, क्या नाम है इनका? अच्छा शुरू करें, आ गए सभी? अच्छा यस सर, एक दो बोला था मिनट मैंने। ब्रेक अच्छा अच्छा 2 मिनट क्या, इतनी ब्रेक भी दे दिया? 20 मिनट का ब्रेक होता है ना? नहीं नहीं सर, सब आ जाएंगे ना, कहीं पर कनेक्ट नहीं होता। ये लंच लंच टाइम होता है। सर मैंने ये बोला कि सबकी वीडियो कनेक्ट नहीं होती, तो 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा यहाँ नेटवर्क की भी बारिश हो रही है। उधर बारिश तो नहीं रही किसी के पास? हो तो नहीं रही बारिश? सर बिल्कुल भी नहीं, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। हो रही है सर, हो रही है ना? देख लो कहाँ पे हो आप। जमशेदपुर, झारखंड, झारखंड जमशेदपुर। जमशेदपुर? अच्छा उधर बारिश होती है, ज्यादा होती है। सर यहाँ नहीं हो रही है, दिल्ली वाली साइड पे, दिल्ली एनसीआर पे। दिल्ली में कहाँ से होगी, दिल्ली में थोड़ी होती है बारिश। सर आप किस साइड हो अभी? यहाँ हो रही है, खूब हो रही है। देहरादून में रहते हैं सर, वहां तो होगी सही। देहरादून यहाँ तो कम कंबल वाला हिसाब है यहाँ तो। सर, यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस है आज। 42? यस सर, दिल्ली का ओ ये माय था। गॉड। हाँ चलो मानसून तो शुरू हो जाएगा अभी, तो लास्ट में जून में शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम अपनी दिल्ली में क्लास शुरू मानसून करते शुरू हैं। नहीं आता सर, देखो मैं आपको क्या बोल रहे हो। ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ। मैं आपको कुछ चलने के बोल भी नहीं सकते क्योंकि बारिश होने वाली है। एक से एक आपको फोटोग्राफी के मौके मिलेंगे लेकिन निकल नहीं पाओगे आप, इसलिए बोल भी नहीं अभी सकता। कोरोना। सर क्या क्योंकि एक ना बार ये रिपीट करना, आपकी आवाज कट कट कर आई, आपने क्या मैं बोला? जैसे बोल रहा हूँ ना कि अभी जैसे मानसून आने वाला है ना, जैसे बारिश होती है, तो हाँ। मैं हमेशा बताया आपको ना कि ऑल टाइम जो होता है हमेशा बेस्ट होता है फोटोग्राफी के लिए, आप खास तौर पे फोटोजर्नलिज्म के लिए है ना। आप जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए करते हो, अलग अलग चीज़ों के लिए करते हो, वहाँ पे काफ़ी यही यही टाइम होता है जब आंधी आ जाए है ना, तूफान आ जाए, बारिश हो जाए है ना, कुछ कुछ मतलब ऐसे लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, यही सब होता है मौका जो आप उस कर सकते हो। धूप काफी तेज धूप हो वहां पे, जैसे लोग छुप छुप के बैठते हैं ना, तो यही होता है। नॉर्मल डे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको अच्छा मौसम मिलेगा तो सब हंसते दिखेंगे आपको, तो उसकी फोटो लेके क्या करोगे आप, है ना। यस सर, मैंने कल डबल एक्सपोजर पिक्चर क्लिक करी थी किस चीज की? अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट। तो ट्यूबलाइट पे? नहीं, एक सनलाइट में करी थी और एक थोड़ी डार्क जगह पे करी थी, तो दोनों को कंबाइन करके डबल एक्सपोजर उसको एडिट डबल कर दिया था। एक्सपोजर होता। हाँ वेरी गुड। हाँ आजकल आजकल आप लोग जैसे घर बैठे हो कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो, कैंडल लाइट जला जला के उसके हिसाब से कर सकते हो ना काफी चीजें। हाँ देखो आपको ना फोटोग्राफी में कुछ करना है आगे या नहीं करना अलग चीज है, लेकिन आपको ना एक सेंस क्रिएट जरूर करना चाहिए कि आपको चीजें कैसी दिखती है ना। जैसे जैसे मान लो मैंने ट्यूबलाइट जला दिया है ना, और मुझे चीजें कैसी दिखती है। एक एक जर्नलिस्ट को या फोटो जर्नलिस्ट को, कोई भी। आवाज किसकी आ रही है? माइक ऑफ कर दो। सर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। माइक किसका ऑन है पता नहीं चल रहा है ना। ये कंचन का है कंचन कौन? सौरभ? सौरभ का है, मेरे यहाँ से सब कंचन कंचन का। कंचन कहाँ है? कंचन तो कोई है नहीं इसमें। कंचन नहीं, कंचन के बंदे तो। उसका भी कर दिया होगा। चलो
अब कम से कम मैं फेस वाइज सबका नाम और फेस लिखा हुआ है ना, कम से कम ये मैं कर पा रहा हूँ कि विशाखा कौन है, परमिता कौन है, राहुल कौन है, ये सब ये अच्छी बात है। इसी को बोलते हैं फोटोग्राफी, ठीक है सर। जो लेकिन जो लाइव पढ़ाया जाता है ना वो अलग ही होता है सर। इसको बोलते हैं फ्रंट कैमरा। नहीं, कैमरा बोलते हैं ना। ये क्या होता है ना कि कैसे चीजों को क्यों इस्तेमाल किया जाता था पहले, एक मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए, एक एक प्रूफ के लिए, ऐसी चीज किया जाता ना। तो क्या है कि एक दिमाग में मैं एक मेमोरी डाल रहा है कि हाँ ये परमिता है, ये राहुल है, ये सौरभ है, है ना, एक दिमाग में, क्योंकि इतना इंटरेक्शन तो होता नहीं है क्लास में, होता है तो ज्यादा इतना मिक्स होता है कि नहीं पाता। एक तभी हो पाता है कि जो आदमी कुछ क्वेश्चन एराइज करता है, कुछ पूछता है, कुछ आदमी का फेस नाम थोड़ा सा वो रहता, ध्यान रहता है। बाकी तो कुछ लोग लंच कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाहर से पानी पी के आ रहे होते हैं, है ना, उससे नाम याद नहीं हो पाता मुझे। चलो शुरू करें फिर। यस सर। अच्छा हाँ, ये बता रहा था ना कि जैसे ये ना अभी अभी आप लोग घर बैठे तो देखो आपके पास क्या है, कैंडल है, टॉर्च है, बाहर का सनलाइट है, इन सब चीजों का ना वो कर सकते हो, मतलब स्टडी कर सकते हो कि उसको लाइट डाल डाल के कोई भी चीज ले लो उस पर कर सकते हो। फ्लावर होगा ही होगा आपके आसपास, ये सब चीजों का फोन से ही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपको ना एक, या आप ऐसा करो कि कुछ बेस्ट पिक्चर निकालो, टॉप पोर्ट्रेट्स, है ना, ठीक है, उसमें से उस पिक्चर को आप क्या करो, देखो उस पिक्चर में लाइट कहाँ से आ रही है, क्यों अच्छी लग रही है आपको, बेस्ट पिक्चर टाइप करो उसमें, देखो कि वो लाइट क्यों अच्छी आ रही है, क्या उसमें क्या खूबी है, डिस्कस करो, दिखाओ मुझे, पूछ भी सकते हो आपकी ये क्यों अच्छी है, यहाँ लाइट कहाँ से दी गई है, तभी क्लियर हो पाएगा। जब तक पूछोगे नहीं तब तो बेकार है फिर। सर अगर हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है तो सेल्फ पोर्ट्रेट पिक्चर्स कैसे क्लिक करें? स्टैंड नहीं है तो आपके पास स्टूल होगा, कोई ऐसा चीज होगा जिसे, कुछ भी होगा जिसके ऊपर कैमरा रख दो स्टेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि बालकनी के बाहर रख दो नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, घर के अंदर मतलब सेफली उसको रखना है कि मतलब गिरे भी नहीं, आपका काम भी हो जाए, किसी मतलब जो है ना स्टेबल हो कोई चीज, इस पर रख सके हम, अगर हाथ से नहीं करना है ना, हाथ में होल्ड नहीं करना है तो उसको रख के कर सकते हैं हम लोग। ओके सर, ठीक है ना। तो ये मतलब ना वो प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ से ये सब पिक्चर की है, ये मतलब कैसे करनी है हमें ये लाइट। जैसे एक फोटो ले लो, एक मूवी देख लो, मान लो चलो छोड़ो फोटो देखने की, मूवी देख लो, एक ही चीज है दोनों की लाइटिंग, उसमें देखो लाइट कहाँ कहाँ से आ रही है, कैसे कैसे आ रही है ना, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें, उसका वो भी आता है शायद ना, बिहाइंड द सीन भी आते हैं ना मूवीज के। यस सर, भी देख कर समझ सकते हो आपकी हाँ कैसे कैसे किया जा रहा है उसमें। लाइटिंग के तो कह बताएंगे नहीं आपको, देखो यहाँ से लाइट दे रहा हूँ, कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन सर YouTube उसमें पे एक चैनल आता है VFX आर्टिस्ट करके, उसमें सर हर तरह से दिखाया जाता है कि किस तरह से फिल्म बनने टाइम या फिर जो जो हिट फिल्म्स है उसके पीछे क्या VFX का काम था और किस तरह से कैमरा लाइटिंग वगैरह हर चीज का लाइफ ऑफ पाई का रिव्यू वगैरह करते हैं। कौन से चैनल है? VFX artist reacts। अच्छा अच्छा, उसमें मतलब ये बताया जाता है कि कैसे कैसे है ये, आप ये अच्छी बात है। जैसे कोई भी विजुअल मैजिक वो लोग करता है ना फिल्म में, तो वो उन लोग उन चीजों को वो लोग देखते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं, फिर उसको एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करता है वो कि मतलब इसमें क्या क्या यूज हुआ और कैसे इन्होंने किया। बहुत अच्छी चीज है, आप लोग सबको अगर पता हो गया हो तो एक बार चेक करना जरा आप लोग, मैं भी देखूंगा जरा ये, ठीक है ना, क्योंकि हाँ आप ये देखो, ये समझ लो कि आप एक चीज मत समझो आप कि आप एक कैमरा कर रहे हो यहाँ पे, है ना, आप पूरा होल लेके चलो आप, है ना, होल थिंग मतलब कि एक हमारे चीज हम जो सीखते हैं ना पढ़ाई करते हैं, इसमें हमारा फोटो एडिटिंग हो गया, कैमरा हो गया, लाइटिंग हो गया, देखो कितने स्कोप होते हैं इसमें, लाइटिंग का अलग ही होता है, डीओपी का अलग ही रुतबा होता है, कैमरामैन का अलग ही होता है, मतलब हर चीज सीखोगे आप उसमें क्या, फिर आप अलग अलग चीजों को, जैसे आप एडिटिंग का पार्ट है, फोटो एडिटिंग भी सीखोगे, वीडियो एडिटिंग भी सीखोगे, ये 5-6-7 चीजें मिला करके तब आपका एक काम होता है, इस कैमरा और फोटोग्राफी होता है, मतलब एक पूरा कम्प्लीट है आजकल का,
मतलब आपका आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग भी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको वीडियो एडिटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, इससे इससे आप परफेक्ट बन जाओगे। मतलब अपने फील्ड में जिस भी चीज में आपको काम मिलेगा आप कर सकते हो, फ्रीलांस भी कर सकते हो, घर बैठे भी कर सकते हो, जैसे भी जॉब पे भी कर सकते हो, है ना, सारा चीज कर सकते हो। मैं इस फील्ड की बता रहा हूँ बस, है ना, बहुत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब अलग अलग ऐसा नहीं है कि बहुत एडिटिंग करना बहुत बड़ी चीज है, तो चीज ऐसा नहीं है, सब सब इजी है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। और सारा चीज रहेगा ना, स्कोप रहेगा तो कोई भी आदमी आपको ना, मल्टी टैलेंटेड लोगों को आजकल इस्तेमाल करते हैं कि एक को बुलाओ, है ना, पैसे कम दो उससे सारा काम करा लो, यही होता है आजकल, ठीक है ना, ऐसे ही बनो। अच्छा अभी हम लोग, अच्छा किसी ने ड्रॉ किया ये सिंगल लाइट सेटअप का, किसी ने किया? सिंगल लाइट सेटअप किसी ने किया? शिवम बोल रहे थे, शिवम करूंगा मैं। नहीं सर, करने का नहीं बोल रहा था, मैं कह रहा था कि समझ रहा था मैं कि क्या है वो। अच्छा समझ रहे थे, किसी के पास है नोटबुक देख करके फटाफट देख, दो मिनट लगेंगे सर, अच्छा थोड़ी बनेगा दो मिनट में। नहीं नहीं मैं ड्रॉ देखना है, वो देखना नहीं, वो पेंटिंग नहीं देखनी है, वो पेंटिंग तो समझ रहा हूँ कैसे बनाओगे सर, तो वही तो है ना सर, वही ना, एक सर एक सन बनाना, एक एक लाइट पड़ रही हो। हाँ हाँ हाँ, एक सब्जेक्ट, एक लाइट और एक कैमरा, कैमरा बस, और जो बस लाइट है वो सब्जेक्ट पे थोड़ा ऊपर से पड़नी चाहिए, ऐसे कह रहे हो? हाँ ये तो देखो ठीक है, ये क्या है आपका, एंगुलर है या फ्रंट है, क्या है ये सर? ये रहा सर, मतलब नहीं नहीं ये आपने अच्छा बनाया, ये देखो ये लग रहा है जैसे सनलाइट बनाया ना आपने, सनलाइट किस जिसने बनाया, दोनों लोगों ने, एक भूमिका ने बनाया, एक और किसने बनाया, ये देखो मैं बता रहा हूँ सनलाइट नहीं बनाना है आपको, एक स्टैंड दिखाओ, स्टैंड मतलब जिस पे लाइट है ना, ट्राइप जिस पे खड़ी रहती है, ये इंडोर लाइट सेटअप बनाओ आप, ठीक है ना, इंडोर लाइट सेटअप बनाओ, सर ये सनलाइट को लाइट मान के स्टैंड पे खड़ी कर दो, हो गई। हाँ हाँ खड़ी कर दो बिल्कुल, हमने तो रखे हैं ना सर ऐसे, रुको। हाँ, और यहाँ से कैमरा। अच्छा एक काम, एक बिल्कुल सेंटर जैसे नोटबुक के जो आपका है ना, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखो वो आप, कहाँ पे जैसे नोटबुक के सेंटर में पहले सब्जेक्ट बनाओ बिल्कुल सेंटर में, और हाथ को इसे थोड़ा सा डाउन रखो, लग रहा है कि इसे उड़ने वाला है ना, फ्लाइंग, ये फ्लाइंग सब्जेक्ट है, मतलब लगे कि वो स्टैंडिंग है, खड़ा है, मतलब इसे लग रहा है ना इसे उड़ने वाला है अभी, ठीक है ना। दीक्षा बना रही है तू? हाँ एक बार दिखाइयो, बनाने तो दे। हाँ बनाए, दिखा। ये क्वेश्चन आया था आपके उसमें, समझे, क्वेश्चन आया था कि एक एक इंडोर लाइट सेटअप में ना, एक बना कर सिंगल लाइट में कैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं इसका, वो ड्रॉ कीजिए, और लॉन्ग ये क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि मतलब दो नंबर का था, एक नंबर का, ऐसा नहीं था सर, फिर इसको एक्सप्लेन भी एक एक पार्ट करना होगा फिर अच्छे से। मेन उनका था ना सेटअप देखना था, फिर आप लिखना होता है ना फिर इसमें कि हाँ लाइट के पोजीशन ये होती है, कैमरे के पोजीशन ये होता है, दिखा, मेरे को क्लियर नहीं आया पर ये समझ में आया। हाँ ये एक सब्जेक्ट है, कैमरा है और ये लाइट है, देखो एक मैं बता, लाइट सर ने ऊपर से बोली थी, मैं बता रहा हूँ, बताओ ड्राइंग, कोई ड्राइंग मास्टर नहीं है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट बनाओ, एक बार इसमें से बताओ, एक एक सब्जेक्ट बनाओ छोटा, हाँ ठीक है, अब ये जैसे लाइट आपने ना रखी है बिल्कुल आप लेफ्ट रखी है ना लाइट आपने, है ना, ये आप काम करो, हाँ, लेफ्ट रखी है, लेफ्ट रखी है, नहीं अब लाइट को क्या करो, लाइट को क्या करो, सब्जेक्ट के नीचे ले जाओ, सब्जेक्ट के नीचे बनाओ, अब बड़ा बनाओ सब्जेक्ट से, बड़ा बनाओ लाइट, नहीं नहीं नीचे और नीचे, बिल्कुल नीचे इसके नीचे, अच्छा रुको मैं दोबारा बनाती हूँ, हाँ एक प्लेट सब्जेक्ट बीच में बनाओ, बीच बनाओ सब्जेक्ट के बीच में, बिल्कुल नोटबुक के बीच है, सेंटर है, ये बनाया मैंने एक सब्जेक्ट, लाइट का बनाओ, अब सब्जेक्ट के नीचे बनाओ, सब्जेक्ट के नीचे यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल इसके जो है ना पैर के नीचे बनाओ, हाँ पैर के नीचे, यहाँ लाइट बनाओ, ठीक है लाइट,
नहीं 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 गलत है ये पोजीशन, कौन भूमिका, भूमिका का है ड्राइंग ये वाला जो सब्जेक्ट बनाया आपने ना, उसके पैर कहाँ है, देखो पैर कहाँ है, ये रे उसके नीचे बनाओ, उसके नीचे यहाँ बनाना है। हाँ और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे जाओ नीचे जाओ और नीचे और नीचे, देख रहा हूँ मैं, और नीचे साइड में रखना है, नीचे रखना है बिल्कुल। हाँ ये फ्रंट लाइट बता रहा हूँ ना, फ्रंट लाइट दीक्षा ये आपका है, ये शावर बनाया आपने और क्या सर लाइट समझ लो अभी उसको। नहीं एक कुछ मतलब वो मत बनाओ आप, कोई मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन खींचो ऊपर लाइट बना दो बस, उसमें ना सनलाइट जैसे रेज निकलता है उससे बना दो बस, लेकिन सब्जेक्ट के सही है या फिर गलत है? नहीं नहीं दीक्षा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे जाओ, पैर जो दिख रहा है आपको सब्जेक्ट का पैर बनाया ना सर, मेरा मेरा देखना एक बार बिल्कुल। हाँ लेकिन इतनी लंबी रेल बना दी ना, सन से बड़ी बड़ी बना दी आपने, छोटा बनाओ ना इसको। अरे सर अभी आपने बोला और नीचे जाओ नीचे जाओ, लाइट आपने बोला। हाँ लाइट लाइट ठीक है, अब लाइट नीचे स्टैंड बनाओ, लाइट नीचे स्टैंड लाइन खींचो एक लाइट के नीचे, नहीं लाइट एक सिंगल बनाओ, एक सिंगल लाइट स्टैंड बनाओ ना सिंगल लाइट का, एक लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो बस, एक लाइन ड्रॉ करो सर, मान लो एक ही लाइन है, एक एक लाइन है ठीक है, और इसी के बगल में कैमरा बनाओ, इसी के बगल में साथ में कैमरा यहाँ पे, इसी के साथ लेफ्ट या राइट कुछ भी पोजीशन हो सकता है, साथ में मतलब बिल्कुल साथ में, ज्यादा दूर हो गया डिस्टेंस हो गया, साइड के साथ में सर ठीक है। हाँ ये हाँ लाइट के साथ में। हाँ ये देखो अभी जो है ना भूमिका ने जो बनाया हुआ है ना कि ये फ्रंट लाइट हो गया ना, अब सब्जेक्ट क्या है दूर है और ये पास में, अब क्या करेंगे ना, अब जब इसे अब इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे तो इस लाइट को थोड़ा सा और हाइट पे रखेंगे, ऊंचा करेंगे मतलब है ना, थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे मतलब इसका जो है ना, एक सिंगल स्टैंड बनाएंगे, अब बगल में कैमरा का फोटो बना करके उसमें भी स्टैंड लगा देंगे, हाथ सिंगल बना सकते हैं, अब इसको लिखेंगे मतलब दिस इज द फ्रंट फ्रंट लाइट सेटअप ठीक है ना। सर अब एक चीज बताओ, ये हम हमें लग रहा है कि आप ये नीचे से ले रहे हो पिक्चर, अगर हम इसको यहाँ से देखते, अगर इसके लाइट भी यहाँ कर देते या कैमरा ऊपर कर देते तो ये भी तो फ्रंट लाइट सेटअप होता। कैसे पता, मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट मूव करते हुए कोई पेड़ पे चढ़ने जा रहा है। कॉकरोच से बना रखा है तुमने, तूने बनाया है बड़ा खतरनाक है। नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर क्लियर हो गया सर, वो तो हाँ सर आपने ये बताया था ना, हमें लगा पैरों से ले रहे हो, नीचे से पिक्चर ले रहे हो। हाँ मतलब वो समझ लो कि फ्रंट मतलब सामने पता चलने से फ्रंट लाइट दे रहे हैं। हाँ अब समझ में आ रहा है कि फ्रंट का मैसेज दे रहा है हमें, हमें क्लियर करना है बस कि ऐसे होना चाहिए है ना, है ना। और जो पहले जो फोटो बना रखी है आपने है ना, ये भी ठीक है लेकिन इसमें दिक्कत है कि लग रहा है कि कोई मूविंग सब्जेक्ट है और उस तरफ भाग रहा है मतलब है ना, वो लग रहा है एंगुलर लग रहा है हमें ठीक है ना, फ्रंट नहीं लग रहा है ये। अच्छा ओके सर, अब उसी को अच्छे से बना लेना आप जो है ना फ्रंट वाला, उसी को अच्छे बना लेना। मैं क्या बताऊं मैं, ठीक है सर मैं ड्रॉ करके कैसे दिखाऊं, रखा नहीं मैंने नोटबुक के बगल में। बाकी लोगों को क्या है मतलब समझ में आया है कि बस वो मतलब समझ में आया, सबको समझ में आ गया ना फ्रंट लाइट वाला जो बनाया था लास्ट में। यस सर यस सर आ गया, अच्छा नहीं बनाया किसने बनाया था ठीक है, अब जैसे फ्रंट में बनाया था ना ठीक है ना, वैसे ही सब्जेक्ट जो है, वैसे ही सब्जेक्ट जो है वैसे ही पोजीशन रहेगा सीधे सब्जेक्ट। सर बहुत शोर आ रहा है पता नहीं कहां से, मुस्कान ये मुस्कान का ऑन है सर, ऑफ करो। सर मैंने अभी नेट पे देखा मतलब गूगल करके देखा, इसमें दिखा रहा है मतलब सब्जेक्ट बीच में बैठा है। हाँ सब्जेक्ट बीच में बैठा है, दोनों तरफ लाइट है और सामने की तरफ भी लाइट है, ऊपर थोड़ा ऊपर वाले एंगल से, और सामने से जो फोटोग्राफर फोटो क्लिक कर रहा है। वेरी गुड, मतलब ड्राइंग है ना ये, पे ही है ड्राइंग है ना, नहीं मतलब जैसे जो शूट करता है ना वो दिखा रहा है, और ड्राइंग भी है। हाँ ड्राइंग इस्तेमाल करना मतलब है ना, ड्राइंग उसका पार्ट ले लेना वही समझ लेना वो उसे। हाँ ड्राइंग भी है इसके अंदर एक। हाँ ये होता रहेगा सर क्लास में। अब देखना एक चीज और ध्यान रखना, अगर एंगुलर पूछेगा ना एंगुलर फ्रंट तो बस
कैमरा की पोजीशन बिल्कुल सामने रहेगा और जो आपका लाइट है ना जिसे बनाया था है ना थोड़ा सा 55-45 के एंगल पे कर देना है ना अपने साथ में 45 के एंगल पे कर देना। इसका भी देख लेना गूगल पे ना 45 के एंगल पे लाइट रख करके कर लोगे ना ये। यस सर। अच्छा और था हमारा, अच्छा एक मैं चीज पूछ रहा था कि हाँ इस शटर स्पीड फास्ट होती है तो लाइट कम आती है अंदर है ना। yes, कम आती sir, है ना लाइट तो कम आती है तो उसके फायदे, तो उसके फायदे क्या होते हैं सर? ज्यादा सनलाइट में आज शटर स्पीड कम करके अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा एक तो इन्होंने बता दिया, एक फायदा हो गया हमें शटर स्पीड फास्ट रखते हैं क्योंकि लाइट बाहर ज्यादा है तो अच्छी फोटो करने के लिए प्रॉपर लाइट आने के लिए हम शटर स्पीड को फास्ट रखते हैं तो फोटो हमारी अच्छी आती है। दूसरा काम क्या करता है दूसरा काम? मूविंग सब्जेक्ट को भी अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं शायद। हाँ तो अब ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या नाम है इंटरव्यू में ज्यादा पूछते हैं लोग कि शटर स्पीड का इस्तेमाल किस किस कारण से किया जाता है ना। वाइवा होता है ना वाइवा में पूछते हैं लोग कि शटर स्पीड का इस्तेमाल okay. हाँ ऐसे पूछते हैं कि शटर स्पीड का इस्तेमाल लाइट को एक तो कंट्रोल करने के लिए किया जाता है दूसरा क्या काम होता है ना तो सब्जेक्ट के मूवमेंट को फ्रीज करने के लिए भी होता है ना कि सब्जेक्ट कुछ भाग रहा है काफी मूविंग है ना काफी फास्ट मूविंग है तो स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा एक्शन उसका फ्रीज हो जाएगा है ना ये करते yes, हैं ठीक है। और ऐसे ही एपर्चर जो है इसके भी पूछे जाते हैं दो क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि पहला काम लाइट कंट्रोल करना होता है तो दूसरा काम क्या होता है ठीक है दूसरा क्या काम होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में इसलिए पूछ रहा हूँ मैं वाइवा में पूछते हैं यही लोग यही तीन चीज में कंफ्यूज करते हैं आपको जैसे बताया आपको ना कि शटर स्पीड में एक तो फ्रीज करना होता है एक लाइट कंट्रोल yes, करना होता है तो सबको पता है लाइट कंट्रोल करते हैं दूसरा काम क्या होता है अभी डिस्कस कर रहे थे हम फर्स्ट हाफ में इसके ना सृष्टि हाँ सर वो डेप्थ ऑफ फील्ड हाँ याद आ गया एक काम लाइट को कंट्रोल करना होता है तो दूसरा काम क्या होता है डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना है ना मतलब जितना छोटा रखोगे एपर्चर उतनी शार्पनेस पिक्चर में बढ़ती जाएगी जितना बड़ा रखोगे उतनी शार्पनेस घटती जाएगी फोटो में तो उस हिसाब से करते हैं। और तीसरा काम होता है ISO अभी हम बात तीन चीज सिलेबस में देख रहे थे ना कि इनका क्या रोल होता है ना तो तीसरा होता है ISO इसमें लिखा है फिल्म तो हम लोग इसको बोलते हैं फिल्म स्पीड बोलते हैं जिसको मेजर करते हैं ISO में है ना। ISO क्या होता है कि ये जो सेंसिटिविटी होती है इमेज सेंसर की उसको मापने का एक होता है एक वो होता है यूनिट होता है ना ISO जो होता है कि कितनी सेंसिटिव है हमारी सेंसर कितनी सेंसिटिव है हमारा फिल्म मतलब जिसपे इमेज रिकॉर्ड होता है कितना सेंसिटिव है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर 100 ISO का एक सेंसर है आपके पास जिसपे इमेज रिकॉर्ड होता है और एक 400 ISO का इमेज सेंसर है दोनों में से सेंसिटिव कौन है लाइट के प्रति? आप जितना ज्यादा ISO का उतना सेंसिटिव सेंसिटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। हाँ हाँ तो ये मतलब समझ गए कि क्लियर है आपको कि जिसका ISO बड़ा होगा उस सेंसिटिव ज्यादा होता है लाइट के प्रति इसीलिए लाइट जब कम होती है तो हमें ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए तो ज्यादा वो कैच करता है तो हमें करना है ठीक है। तो लिखा है कि डिफरेंट जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में क्या कैसे इस्तेमाल होता है। अब देखो ये कोई बताने की चीज नहीं होती है स्पोर्ट्स में कर रहे हो आप है ना आपको पता है स्पोर्ट्स में हमें मूवमेंट को फ्रीज करना है हमें कोशिश करना है कि हमेशा स्पीड को फास्ट रखना चाहिए 250 रखो उससे ऊपर रखो है ना। यस सर है ना। तो ये मतलब अब डिफरेंट जॉनर क्या है अब आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हो मान लो है ना फैशन फोटोग्राफी कर रहे हो आप अंदर एक मॉडल शूट कर रहे हो उसमें आपको कोई मूवमेंट तो मॉडल तो भाग नहीं रही आपकी है ना
तो 125 जो होता है ना आपका जो लाइट के अकॉर्डिंग जो सिंक्रोनाइजेशन होता है उसका, शटर खुलेगा लाइट जलेगा फ्लैश का, जिस लाइट दिखाया था मैंने आपको ना क्लासरूम में जो वो लाइट जो दूसरी शो होता है ना, हाँ तो उसका 125 होता है सेकेंड फिक्स कर दो, अब बाकी लाइट के अकॉर्डिंग एपर्चर सेट कर लो, आईएसओ कम ही रखना है आपको, ध्यान रखना है अच्छी क्वालिटी के लिए। तो अलग अलग फोटोग्राफी में ऐसे आप जर्नलिज्म में हो आप मान लो, ठीक है ना, तो आपको हमेशा एक दिन में मूवमेंट कर रहे हो आप, हमेशा दिन में अभी इस समय मूवमेंट कर रहे हो मान लो दोपहर में, तो एपर्चर आपको पता है कि बहुत लाइट ज्यादा है, तो एपर्चर हमेशा 16 से ऊपर रखो, 16, 18, 24, 32 जो भी रखना रख लो, क्योंकि पता है कि ब्राइट ज्यादा लाइट आएगी क्योंकि काफी तेज लाइट है ना, है ना। एपर्चर जो है 125 रखो, ताकि रोड पे चलते हुए आपको है ना मूवमेंट वाले ज्यादा चीज मिलेंगे, अगर नहीं मूवमेंट वाला भी नहीं मिलेगा तो जो बैठा है उसको भी हम आराम से 125 से क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैमरा शेक होगा भी तो कोई ज्यादा मतलब नोटिस नहीं करता कैमरा, अच्छा रिकॉर्ड कर लेता है ना। तो एक एक हाँ, तो हर हर उसका ना मतलब हर फोटोग्राफी जितने जॉनर हैं हर में एक स्पेसिफिक वो चीज होता है कि हाँ इतना लेके चलना चाहिए हमेशा, है ना, किस तरीके की फोटोग्राफी कर रहे हैं हम लोग उसके हिसाब से हम अपना रिलेशन देखते हैं, हमको क्या रिलेशन है इनका। अगर अगर मान लो कि हाँ अगर मान लो अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ चाहिए आपको डे लाइट में, तो आपको क्या जरूरत है आईएसओ बढ़ाने की, आईएसओ कम ही रखो आप, है ना, एक किसी मोनूमेंट का फोटोग्राफी करने जा रहे हो आप ना, उसमें जरूरत ही नहीं आपको बढ़ाने की, आईएसओ आराम से 100 रखो आप, एपर्चर शटर स्पीड पे अपना सेट करके फोटो लो अपना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि डिफरेंट जॉनर जो है ठीक है में आपका कैसे ये कॉम्बिनेशन क्या होता है इन तीनों का, ठीक है ना, ये शटर स्पीड एपर्चर। अब मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया है कि ये एपर्चर का यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, शटर स्पीड किस लिए करते हैं, दो चीजों के लिए करते हैं एपर्चर, दो चीजों के लिए करते हैं आईएसओ का भी हाँ करते हैं। ये कुछ पूछा, हाँ ये पूछा जाता है कि आईएसओ ज्यादा क्यों रखते हैं, ऐसे पूछा जाता है कि हम आईएसओ ज्यादा क्यों रखते हैं, हाई क्यों रखते हैं, पूछा जाता है सर। डार्कर, अगर डार्क है तो वहां पे फोटो खींचने के लिए, हाँ आप बोलोगे कि बाहर की लाइट कम होती है, है ना, उसको मेंटेन करने के लिए हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी होती है ताकि कम लाइट में भी ज्यादा मतलब वो सेंसिटिव हो जाए, सेंसर ज्यादा कैच करे लाइट कम समय में, क्योंकि मान लो कि आप सेंसिटिविटी नहीं बढ़ाओगे तो आप शटर स्पीड कितना बढ़ा सकते हो आप। अच्छा सर, वैसे मैं एक चीज पूछ रहा था कि जैसे सर मैं एक चीज पूछ रहा था कि आईएसओ मान लो ना भी बढ़ाएं और उसके जगह पर शटर स्पीड बढ़ा लें और अपर्चर बढ़ा लें, तो उससे हम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब सब इक्वल हो जाएगा ना बाद में, सब इक्वल हो जाता है। आप देखो आप मतलब अगर कैमरा नहीं जा सकता ज्यादा नीचे तो फिर हमें आईएसओ बढ़ाने की जरूरत, तब बढ़ाना है मजबूरी में बढ़ाना है, लेकिन अगर कैमरा f/4 तक जा सकता है हाँ, तब कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आईएसओ बढ़ाने से इमेज की क्वालिटी खराब होती है, इसलिए हमें आईएसओ बढ़ाना ही नहीं है, हमेशा मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल करना है, अगर 100 दिया है 200 दिया है तो वही इस्तेमाल करना कैमरे में, है ना। अगर सब कुछ करने के बावजूद आपका नहीं बढ़ता है, अगर मान लो कि आपने शटर स्पीड बढ़ा घटाते गए लेकिन आपका हाथ शेक होने लगा तो फोटो हिलती हुई आएगी, फिर मजबूरी में आपको आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा। मान लो कि मैं तो कंट्रोल कर ही लोगे आप शटर स्पीड से, खूब घटा दोगे छोटा कर दोगे हाँ, लेकिन फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आईएसओ हमें कुछ कम से पहले हम आईएसओ सेट कर लो, आईएसओ पहले सबसे पहले वही सेट किया जाता है, सेट क्या करना हमेशा ना जब भी मूवमेंट में हो तो हमेशा रखो तैयार करके आप, है ना, 100 आईएसओ हमेशा तैयार करके रखो, बाकी जैसे सिचुएशन चेंज होता है, अगर फटाफट आपको पिक्चर क्लिक करनी है तो प्रोग्राम मोड होता है, पी मोड होता है कैमरे में ना, पी मोड पे कैमरा सेट कर दो अपना आ जाएगा, मैनुअल नहीं करना है तो ठीक है। यस सर। अच्छा हम लोग एक अच्छा फोटो कंपोजिशन जो है ना, है ना आपका पूरा बना के दिया हुआ है मैंने उसमें, ठीक है ना, फोटो कंपोजिशन जो है मैंने आपको बताया भी था, है ना, जो हिंदी वाले कितने लोग हैं इसमें, वैसे हिंदी वाले कितने लोग हैं,
नहीं सुनाई दे रहा सर, दो दो ही लोग हैं बस। यस सर। तो आपको थोड़ी उससे आपका काम हो जाएगा ना, जो इंग्लिश में जो दिया हुआ है उसमें फोटो कंपोजिशन के बारे में दिया हुआ है। बहुत ज्यादा सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरी वीडियो भी स्टॉप हो रही है और ऑडियो भी। मेरी तरफ से आवाज आ रही है? आ रही है सर, आपकी तरफ से तो सर मेरी पता नहीं, मेरी वीडियो ब्लैंक हो दिख रही है, बिल्कुल ब्लैंक। अभी सही हो जाएगा, नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा। कंचन का है ना, कंचन का भी ब्लैक हो गया, लाइट चली गई जल्दी से करके। लाइट चली गई, मेरे घर लाइट नहीं जाती, लाइट नहीं जाती। अरे क्यों? सर मतलब जनरेटर और इन्वर्टर होता है सबके घर पे, ऐसे लाइट नहीं जाती सर, मतलब बिल्कुल ही ब्लैंक लग रहा है। और फिर मैम मुझे हटा देगी उससे मीटिंग से। नेट का थोड़ा सा ना लग रहा है, अब तो लग रहा है सबका आ गया। यस सर। हाँ ठीक है ना, चलो आगे करते हैं। अच्छा इसमें जो है उसमें आपको मैंने बताया था कि जो इसमें लिखा ना ज्योमेट्रिकल शेप्स के शेप्स कन्वर्जिंग लाइंस डायगोनल एंड शेप्ड कंपोजिशन, मैंने आपको डिस्कस किया था कि अलग अलग शेप्स जो होते हैं ना कंपोजिशन में क्या मैसेज देते हैं ना, ट्रायंगल शेप, सर्कुलर शेप, अलग अलग शेप जो होते हैं। ठीक है, विशाखा का तो कुछ काफी वो आ रहा है, मतलब लाइटिंग का सेटअप कर रखा है इन्होंने तो। हाँ सर, इसने वो कर लिया जो आप बता रहे थे अभी, वन लाइट सेटअप। अच्छा वन लाइट सेटअप कर लिया, प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी। सर आप कह रहे थे ना बना के दिखाओ पेपर पे, तो इसने रियल लाइफ में करके दिखा दिया। अच्छा रियल लाइफ में, ये तो बहुत प्रैक्टिकल भाई है, सही है। ठीक है ना, तो मैं जो क्या मैं पूछ रहा था, हिंदी वाले जो हैं जो इंग्लिश में जो दिया हुआ मैंने ना, वो फोटो कंपोजिशन सब कुछ है उसमें, उससे बाहर कुछ नहीं है, तो उससे उनका हो जाएगा ना, मैं पूछ रहा हूँ। सर फुल सिलेबस का कौन सा? सर सारे सिलेबस का नोट्स नहीं है उसमें। कौन कौन सा, ये तो पूछ रहा हूँ मैं, कुछ ये तो बताना है। कुछ टॉपिक उसमें बचे हुए हैं जिसके नोट्स नहीं है, जैसे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, देखना पड़ेगा उस टाइम, तू देख के मुझे बताओ तभी तो मैं करूंगा उसको। चलो कंपोजिशन का देख लेना सभी लोग, आप है ना, उसमें पूरा दिया हुआ है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। फोटो एक्सेसरीज हाँ बता देना, है ना, फोटो एक्सेसरीज जो है ना, फोटोग्राफी के एक्सेसरीज आपका सबसे पहले दिया हुआ है फोटोग्राफी एक्सेसरीज ट्राइपॉड, ठीक है ना, क्वालिटी एंड यूज, कलर करेक्शन फिल्टर। देखो क्या होता है कि जो सिलेबस बनाते हैं ना, हमें भी कोई सिलेबस बोल दे बनाने के लिए, तो ये पुरानी पुरानी चीज उठा के डाल देना है ना। अब कोई कलर करेक्शन फिल्टर हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, क्योंकि हम जो अभी जो कैमरे आते हैं ना, इसके अंदर इनबिल्ट फिल्टर बने होते हैं, ऊपर से हमें डिजिटल आजकल एडिटिंग के द्वारा हम लोग फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या आता था ना, जैसे कि मान लो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट वो फोटोग्राफी कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो आता था रेड फिल्टर, आता था मान लो रेड फिल्टर, तो वो जैसे जैसे मान लो कि मैं गुलाब की पिक्चर ले रहा हूँ, है ना, तो उसमें क्या होता था कि उसको पिक्चर लेते समय क्या करते थे ना, वो फिल्टर लगाते थे उसके आगे, वो क्या करता था रेड कलर को और डार्क कर देता था, स्काई को और वो कर देना, और हाँ फिल्टर जो होता है ना, एक सर्कुलर एक होता है, रिंग टाइप का होता है ना, इसको उसको आगे कस देते हैं ऐसे घुमा करके, है ना, लगा देते हैं, है ना, तो उसको हर ऐसे ही आता था मतलब, है ना, करेक्शन करने के लिए। जैसे मान लो कि आपका जैसे मान लो गुलाब के ही फोटो कलर में ले रहे हो मान लो आप, है ना, तो फिल्टर लगा दिया आपने, तो उसमें ग्रीन कलर होता है और रेड कलर का गुलाब हो गया, तो कलर का क्या होगा, इनहांस कर देगा वो, उससे तो उससे क्या होगा, कलर के होते थे या हाँ, अलग कलर के, हाँ अलग अलग जो मतलब जो कलर आपको इंक्रीज करना है ना फोटोग्राफ में, उसी के हिसाब से फिल्टर लगा करके उसको बढ़ाया जाता था, है ना, तो अब तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है इन सब चीजों के, क्योंकि उसमें रोल होता था, है ना, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है, तो दो चार फिल्टर हम लोग देख लूंगा शायद लिखवा, उसमें दिया नहीं होगा तो बता देना अगली क्लास में मुझे, है ना। नहीं है सर, नहीं है, हाँ अच्छा एक दिया हुआ यूवी फिल्टर, एनडी फिल्टर, पोलराइजिंग फिल्टर, ये बताया हुआ है मैंने आपको,
अल्ट्रा वायलेट फिल्टर क्या होता है, हाँ ठीक है, उसमें भी नोट्स भी दिया होगा शायद मैंने आपको, हिंदी में होगा। उसमें यूवी फिल्टर क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर। तो सन रेज में क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट है ना, उसके वजह से क्या करने के लिए लगाते हैं, हाँ उसको क्या होता है लेंस के आगे लगाया जाता है कि ताकि जो भी पहले लाइट अंदर कैमरे में आए है ना, पहले उसमें उससे आएगा, फिल्टर से आएगा तब लेंस में आएगा आपके। तो फिल्टर क्या करता है, उस यूवी रेज को फिल्टर कर देता है ना। इससे क्या होता है कि यूवी रेज से क्या हो, हेजीनेस आती है पिक्चर में। हेजीनेस मतलब एक धुंध दिखता है ना, एक दिखता है धुंध मतलब yes, sir, एक, yes, sir. हाँ कि फोटो में क्लियर नहीं आपको दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है इमेज का। हाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ता है उसमें, एक हेजीनेस आ जाता है, मतलब एक धुंध दिखेगा आपको, लगेगा फोटो में एक धुंध आ गया, उसको हाथ से साफ करके फिल्टर लगाने से, मैं कह रहा हूँ यूवी फिल्टर लगाने से थोड़ा सा, हाँ सैचुरेशन थोड़ी बढ़ जाती है इमेज की। हाँ बढ़ जाती है। तो ये कम से कम ये समझ लो, जब आप कैमरा लोगे तो सबसे पहले फिल्टर लगाना ही होता है ना, कैमरे के साथ फिल्टर लेना ही होता है आपको, ध्यान रखना। दूसरा काम क्या होता है, लिखा जाता है यूवी फिल्टर क्या होता है, तो लिखा जाता है इसमें हिंदी में लिखते हैं, एक कांच का टुकड़ा होता है, पता नहीं क्या क्या उसको से लगाया जाता है ना। तो इसमें हम लोग, इसके दो काम होते हैं, एक तो एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेंस के प्रोटेक्शन के लिए। कोई भी फिल्टर सबसे पहला काम करता है लेंस को प्रोटेक्ट करता है, कि अगर कैमरा आपका गिर भी जाए कहीं पे तो उसको वो कर देगा, आपको बचाएगा। दूसरा काम क्या करता है कि जो जिसके लिए फिल्टर बना है, यूवी फिल्टर बना है, तो यूवी रेज को रोकता है। यस सर, ठीक है। दूसरा है हमारा एनडी फिल्टर। ये देखो एनडी फिल्टर जो है ना वीडियो में बहुत काम आता है, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर बोलते हैं इसको, है ना, ये उसमें काम आता है। देखो सिलेबस लगभग खत्म ही हो जाएगा अगले तक सारा आपका, ठीक है। दूसरा एनडी फिल्टर होता है। एनडी फिल्टर क्या क्या करता है, जैसे मान लो बाहर लाइट आपको बहुत ज्यादा है ना, ठीक है ना, आप क्या करोगे एनडी फिल्टर लगा दोगे। वो क्या करेगा, वो दिखाएगा कि बाहर लाइट कम दिखाएगा आपको। अगर देखो क्या कंडीशन होती है, पहले समझा देता हूँ इस चीज को, कि जब बाहर लाइट ज्यादा होती है ना, तब एपर्चर क्या करते हो, बहुत कम कर देते हो आप, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि एपर्चर कम करना नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि पिक्चर में सरफेस नहीं आए, तो हम क्या करते हैं एनडी फिल्टर लगा देते हैं, एनडी लेंस के आगे। तो वो क्या करेगा, लाइट को कम कर देगा, तो आपको एपर्चर छोटा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बड़े एपर्चर पे ही खींच सकते हैं। जैसे होता है ना कि मूवीज में, जैसे मान लो कि हीरो हीरोइन आपस में बात कर रहे हैं, तो हीरो पे फोकस है तो हीरोइन क्या है, आउट ऑफ फोकस होकर धुंधली हो जाती है। जब हीरोइन पे फोकस करते हो तो ये आउट ऑफ फोकस हो जाता है। किस कारण से होता है, क्योंकि आपका एपर्चर बहुत बड़ा है, डेप्थ फील्ड कम है, इसके वजह से होता है। एपर्चर बड़ा रखोगे ना तभी ये सीन कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ फोटोग्राफी, ठीक है ना। Okay, तो एनडी फिल्टर का काम क्या होता है कि लाइट को कम करना, ठीक है। तो ये वीडियो में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना। तो ये नोट्स में दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। ओके सर, एक और है, खत्म ही हो गई वैसे क्लास, अरे खत्म हो गई, चलो 140 हो गए। तो एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में ना जो जो सिलेबस में आपको लग रहा है नहीं है आपके नोट्स में, मुझे जरूर बता देना,